डिंडोरी में पानी की समस्या के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के सारे हैंडपंप सूख गए हैं। ग्रामीण कई बार पानी की समस्या की शिकायत संबंधित विभाग से कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ है। सरकारें भले ही कितना भी दावा कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई जगह विकास नहीं हुआ है। डिंडोरी के भरवाई पड़रिया गाँव में गर्मियां आने के पहले ही अधिकतर हैंडपंप सूख गए हैं और पूरे गांव में सिर्फ दो हैंडपंप चल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या के लिए कई बार शिकायत भी की, लेकिन संबंधित विभाग ने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। वहीं आने वाले गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को पानी के लिए और ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नल जल योजना स्वीकृत कर घर घर नल लगाए जाए, जिससे बैगा बाहुली गाँव को पानी मिल सके। पहली समस्या तो ये है सर कि हमारे इधर नल तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन उनसे पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को समस्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को लेके 5-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर वहां से पानी लेके आते हैं। सर इनको सबसे ज्यादा समस्या है, किसी के बच्चे छोटे हैं, सबसे बड़ी समस्या सर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, और कुछ ही हैंडपंप ऐसे हैं जहाँ पानी आता है। कई वक्त शिकायत है कि जब पानी नहीं आवे हमारे वहाँ, और पानी की भारी समस्या है। ब्याह काज करे दादा तो कहाँ टंकर का जाए, तो कहाँ मंकर का जाए। पानी की बहुत समस्या है, मतलब यहाँ नल जल है ही नहीं है। पानी एक या दो टंकी है हैंडपम्प, जिसमें पानी की मात्रा पूरी तरह से नहीं है। गर्मी के दिन आ गए हैं, बहुत तबाही है यहाँ, पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।